तिजारत में आदमी को चाहिए कि वह कनात करने वाला हो, यानी जितना मिला है अल्लाह का एहसान मानकर उसको अल्लाह की नेमत और गनीमत समझने वाला हो। ऐसा ना हो कि शिकायत अल्लाह की करता हो, जो भी लेता है खाता पीता है अल्लाह की शिकायत करता है, ना शुक्री करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आदमी को कनात करना चाहिए कि, और इसी तरह से कनात करना चाहिए इस एतबार से भी कि एक आदमी अपने औकात को तिजारत में लगाए और जितना मिले उस पर कनात करते हुए बाकी औकात को अल्लाह की इबादत, तलब इल्म और इसी तरह से दावत और जो जिम्मेदारियां हैं, खैर के रास्ते हैं, अपने औकात को उनमें लगाए, अपनी सलाहियतों को उनमें लगाए। ये नहीं कि अपनी ज़िंदगी का पूरा हिस्सा अपनी तिजारत को दे दें, उसको रुकना भी आता हो, बस इतना ठीक है ये बोलने वाला भी वो हो, वरना हाथ और मुंह दोनों खोल के कहे कि आओ, आता रहे माल, मिलता रहे, कभी रुकता ही नहीं वो, उसके लिए कभी वो दरवाज़ा बंद ही नहीं कर रहा है, बस इतना ठीक, नहीं आने दो और, वो पूरी ज़िंदगी झोंक दे उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए, कनात उसमें होना चाहिए, बस इतना मेरे लिए काफ़ी है, ये भी एक हद होना चाहिए आदमी के पास, ताकि वह अपने औकात को दूसरे कामों में, खैर में सर्व कर सके। बहुत सारे लोग आप देखिए दुकान पे बैठे रहते हैं, ग्राहक आए या नहीं आए, खेतों में खड़े रहते जमीन को तकते, नमाज जा रही है, जिक्र के औकात जिक्र नहीं कर रहा है, खेती कर रहा है, अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहा है, तिजारत दुकान में बैठा है, इधर उधर की गपशप है, और नमाजें बर्बाद, तिलावत बर्बाद, जिक्र बर्बाद, और जिम्मेदारियां बर्बाद, घर वालों की तरबियत बर्बाद, इल्म का सीखना बर्बाद, सिखाना बर्बाद, बस तिजारत में लगा हुआ है, उसको मालूम नहीं कि कब रुकना है, कितना ठीक है, इतना काफी मेरे लिए, उसके पास काफी वाला लफ्ज नहीं है, उसको हमेशा चाहिए होता है। ये सारी मुसीबत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कद अफलहा मन अस्लमा व रुज़िका कफाफन व कन्नाहु अल्लाह बिमा आता। वो आदमी फलाह पा गया। देखिए यहाँ पे कितनी बातें आपने बताई हैं, कामयाबी और फलाह किस इंसान के लिए है, तीन चीज़ें उसको बताई हैं। नंबर एक आपने फरमाया कामयाब हो गया वो इंसान कौन, नंबर एक मन असलमा, जिसको इस्लाम मिला। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या है, इस्लाम, इस्लाम के बगैर सब मिलके भी कुछ नहीं मिला। जिसको इस्लाम मिला, मन असलमा, जो जिसने इस्लाम कबूल किया। नंबर दो वरुज़ी का कफाफन, और जिसको काफ़ी रिस्क दिया गया। काफ़ी हम कैसे समझते, काफ़ी कैसा है, जितना उसके लिए ज़रूरी था उतना रिस्क उसको मिला, ना कम ना ज़्यादा। भैया आपको जितना चाहिए उससे ज़्यादा क्यों चाहिए, काफ़ी रिस्क, जितनी ज़रूरत थी उतना रिस्क मिल गया। وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ, और अल्लाह ताला ने उसको जितना दिया उस पर कनात भी दे दी है। कनात का न मिलना मिलके भी अजाब है। एक आदमी को माल मिले और हमेशा टेंशन हो कि इतने में क्या होगा, आप बताइए जिंदगी भर वो आदमी पा के भी कैसा है, टेंशन में जी के मरा। और एक आदमी जिसको मिला उसने बोला बहुत है अपने लिए, खुश हो गया, एकदम सुकून से सो रहा, खा रहा पी रहा, खुश एकदम, ना डॉक्टर ना मुसीबत। और जो आदमी मिल रहा है वो रात में सोच रहा है, हिसाब लगा रहा है, इसमें क्या होता है और चाहिए। जो आदमी कनात नहीं करता है ये खुद उसके लिए अजाब है। हिर्स खुद एक प्यास है जो कभी आदमी को सैराब नहीं करती है। हिर्स एक ऐसी प्यास है कि जो आदमी को प्यास लगी रहती है, पी रहा जी रहा और परेशान है आदमी। बताइए एक आदमी पानी पीता रहे, ड्रम भर के पिए, पेट फूल जाए लेकिन प्यास ना बुझे, ये अजाब है खुद, ये मुसीबत है इंसान के लिए। और कनाच थोड़ा एक घोंट पी लिया, प्यास बुझ गई, बहुत हो गया, ठीक है, सैराब हो गया वो एकदम। ये सुकून है जिंदगी का, बोझ कम और जरूरत पूरी हो गई उसकी, हिसाब भी कम होने वाला है, क्योंकि थोड़ा होगा तो हिसाब भी जल्दी से छुट्टी हो जाएगी उसकी, और ज्यादा है तो हिसाब भी ज्यादा होगा, मुसीबत होगी, इल्ला ये कि आदमी उसको सही जगह सही ढंग से कमाए, सही ढंग से खर्च करे। तो यहां पर आपने तीन चीजें बताई, कामयाब आदमी कौन है, उसके पास इस्लाम हो नंबर एक, नंबर दो उसको काफी रिस्क मिल जाए, न कम न ज्यादा, और नंबर तीन उसको अल्लाह ताला कनात दे दे, उसको अल्लाह कनात दे दे, उसकी इस्लाम की जरूरत पूरी हो, उसकी दुनिया की जरूरत पूरी हो और साइकोलॉजिकल जरूरत पूरी हो, जहनी सुकून उसको मिले। कितनी बड़ी चीज़ें आपको देखिए, इस्लाम भी मिला दीन,
माल भी मिला दुनिया और सुकून भी मिला उसको। माल मिलके सुकून नहीं मिला, क्या मिला उसको? माल मिलके भी सुकून न मिलना इंसान के लिए दुनिया में अजाब है। तो अल्लाह ने उसको कना दे दी, बस हो गया, अपने को खुश एकदम जीरा आदमी। ऐसा ऐसा आदमी कामयाब है। इसीलिए आपने क्या फरमाया, कामयाब हुआ। कामयाब वो नहीं जिसको बहुत माल मिला और दिन रात वो माल की फिक्र में रहता है। कामयाब वो है जरूरत के बकदर माल मिला और सुकून से जीता है, वो कनात करता है उसमें, बस हो गया अपने को इतना। अब लगाओ अपना टाइम दीन के लिए, अब लगाओ अपना टाइम खैर के अंदर, लोगों के काम आओ, इतना बस हो गया अपने को। ऐसा आदमी जो है वो खुशहाल आदमी है।